तमाम चौक चौराहे के ऊपर 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक होगी। और कॉर्नर मीटिंग लेने का मकसद सबसे बड़ा ये है, जो शहर के अंदर लूट मार जो बची है, आज कॉरपोरेशन के अंदर महाराष्ट्र हुकूमत से, आज महाराष्ट्र हुकूमत जितना फंड भेज रही है, कहीं 100 करोड़ रुपया आ रहा है, कहीं 150 करोड़ रुपया आ रहा है, कहीं 500 करोड़ रुपया आ रहा है। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब महाराष्ट्र हुकूमत 100 करोड़ रुपया जब मालेगांव शहर के अंदर भेजती है तो आउटर के अंदर भी भेजती है और सेंट्रल के अंदर भी भेजती है। सिर्फ नदी के उस पार के लिए 100 करोड़ रुपये नहीं है ना, नदी के इसके इस पार के लिए 100 करोड़ रुपये है। और जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर 100 करोड़ रुपये अगर भेज रही है तो 70% ग्रांट दे रही है, जिसमें से 30% कॉरपोरेशन को अदा करना है। यानी अगर 70 करोड़ रुपये अगर महाराष्ट्र हुकूमत भेज रही है तो 30 करोड़ रुपये कॉरपोरेशन को उसके अंदर मिलाना है। और उसके बाद हम लोगों को कितना मिल रहा है, 30 करोड़ रुपये मिलाने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया 7 करोड़ रुपया, यानी 93 करोड़ रुपया पूरा नदी के उस पार जा रहा है। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ के जो MLA साहब है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, ये 7 करोड़ के अंदर ही घुस हो जा रहे हो, वो भी 7 करोड़ रुपये उनके पास पूरा नहीं मिल रहा, जिसमें से कुछ दयाना के हिस्से के अंदर भी जा रहा, कुछ मालदा के हिस्से के अंदर भी आ रहा और कुछ मालेगांव हिस्से के अंदर भी आ रहा। और उसमें से हमारे जो दादा भूसे साहब है, आज के जो पालक मंत्री है नासिक ज़िले के, और सभी लीडरान को, जितने मालेगांव शहर के लीडरान हैं उनको बुला के बता दे रहे कि लो 1 करोड़ रुपये आप रख लो, 1 करोड़ रुपये आप रख लो, और बाकी का पूरा वो हजम कर जा रहे। ये हमारे शहर के लीडरान को क्या हो गया कि 1-1 करोड़ के अंदर ही बिक जा रहे वो, 1-1 करोड़ रुपये के अंदर। अरे मैं तो समझता जो 100 करोड़ रुपये आने वाला था तो ऐसा होना चाहिए था 70 करोड़ रुपये मालेगांव के अंदर खर्च होना चाहिए था और 30 करोड़ रुपये उधर खर्च होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हिसाब है। ये 30 करोड़ रुपया जो हम लोग मालेगांव की आवाम, जो कॉरपोरेशन को जो टैक्स वसूल कर रही है, जो कॉरपोरेशन हम लोगों से, मैं समझता हूँ आज 70% टैक्स हम लोग यानी अदा कर रहे हैं कॉरपोरेशन को, और हमारे हिस्से में आ रहा सिर्फ 60%, यानी अगर जो फंड हमको मिल रहा है तो सिर्फ 60%। हमारा जो मकसद है कॉर्नर मीटिंग लेने का, और जो 12 तारीख के दिन जो जलसा लेने का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने जिम्मेदारान वहाँ पे जो अपनी बातें रखेंगे वो यही बताएंगे कि हमारे लीडरान को क्या हो गया है, 50 लाख में, 25 लाख में, 30 लाख में, 1 करोड़ में सब बिक जा रहे, और इतने बड़े बड़े बैनर लगा रहे शहर के अंदर, ऐसा लग रहा 500 करोड़ इन्होंने लेकर आ गया पूरे शहर के अंदर। और उद्घाटन तो ऐसा कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र हुकूमत ने पूरा महाराष्ट्र हुकूमत का फंड इनको ही दे दिए, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हम जो टैक्स भर रहे महानगर पालिका को, जो टैक्स भर रहे उसमें से हमको 100 करोड़ में सिर्फ 7 करोड़ मिल रहा। अगर हमको अगर 50 करोड़ भी मिलता ना तो हम 50 करोड़ को लात मार देते, बोलते हमारा हिस्सा 70 करोड़ रुपये, हमको 70 करोड़ होना नहीं तो तुम्हारा पैसा तुमको मुबारक हो। लेकिन हमारे यहाँ के लीडरान ऐसे हो गए हैं कि वो 7 करोड़ के अंदर ही घुस हो गए, तो बड़ी शर्मों की बात है। जितने भी लोग आज इतनी वाहवाही कर रहे दादा भूसे साहिब की, मेरे को ये नहीं समझ में आता, जब 2001 का जब फसाद हुआ था तो मेरे को तो बहरहाल बहुत अच्छी से याद है, 2001 के फसाद के अंदर दादा भूसे, रामा मिस्त्री और राजा फिडर करके थे, ये तीन लोग मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म कर रहे थे, इतना जुल्म कर रहे थे जिसकी इंतहा नहीं। आज अगर नदी के उस पार जाएंगे, अगर दवाड़ी देखो, लखमापुर देखो, आगार देखो, है ना, ब्रह्मन गांव देखो, इस तरीके से मुसलमानों को तकलीफ दिए थे लोगों ने, और आज अपने ऊपर ही राज कर रहे, और अपने यहाँ के जितने भी सियासी लीडरान हैं आज उनके ही तल्ले चाट रहे, बहुत शर्म की बात है। तो मालेगांव शहर की आवाम से सिर्फ मेरी यही गुजारिश है कि 12 तारीख के दिन जो जलसा होने के लिए जा रहा है आगरा रोड राष्ट्रवादी भवन के सामने दगड़ू आयल मिल के अंदर, तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर आके इस जलसे गांव को आप कामयाब बनाएं। इतने ही मेरी बात बोल के मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ।